कैसा है नजारा कश्मीर की। फुल फीलिंग है, स्नो बहुत गिर रही है, मजा आ रहा है। इस बार कुछ अलग ही रोमांटिक निकली है। रोमांटिक के बीच में किसी ने डेट का टावर मार दिया भाई। स्नो जो गिर रही है ना, देख के एक सुकून मिल रहा है। इसे बस देखता रहे, ऐसा ही सुकून चाहिए इस गेम के अंदर बस। ओके, तो मैंने अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत सीड लगाई है और मैं थोड़े एनिमल्स लाया हूँ दूसरी बायोम से, क्योंकि यहाँ बायोम में स्पॉन बिल्कुल नहीं होते। इसमें कुछ सुअर के बच्चे हैं और कुछ गाउस लाया था मैं। और हाँ, आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे स्टेयर्स बनाई है नीचे जाने के लिए, ऊपर आने के लिए, क्योंकि नीचे जाने के लिए एक रेलवे ट्रैक है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो बार बार जम रही है भाई। ये परेशान कर रही है मेरे को। माना कि नेचर की खूबसूरती में हम खो रहे हैं, लेकिन ये परेशान कर रही है नेचर की। तो इसमें बर्फ मुझे बार बार हटाने पड़ती है, क्योंकि मुझे आप ऊपर आने में दिक्कत हो रही है इसकी वजह से। ठीक है, तो हम बाद में हटाएंगे। ठीक है, हमारे एक दोस्त को वो इग्लू मिल चुका है, तो ये एक रेल है हमारी नीचे जाने के लिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, मेरे पास रेल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं रेल ले आऊँ और फिर से स्नो जम गई यहाँ पे, इसे हटाते हैं और उससे रेल को रखते हैं यहाँ पे और उसमें बैठते हैं और चलते हैं। इस राइड का मजा लो भाई। अरे भाई जम रही है, मुझे लगता है इसकी पटरी में फिर से बर्फ जम रही है। बस की भाई पटरी अभी ठंड माननी है। के भाई ये पटरियाँ जम गई ना, पटरियों को चेंज करना पड़ेगा फिर से। ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ शायद, आई थिंक मेरा नेटवर्क स्लो है। ठीक है, तो हम नीचे आ चुके हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर माइनिंग कर रही थी, इसे निकालता हूँ क्योंकि इसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास इतना आयरन बिल्कुल नहीं है कि बार बार बना सकूँ। ओके, तो मैंने माइनिंग किधर की साइड करी थी, मुझे थोड़ा सा याद करना होगा। इधर तो आई थिंक सो इधर हो सकती है, मैं इधर ही चलते हैं पहले तो। ओके, यहाँ से इधर जाना था भाई। अच्छा, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, जंप करते हैं और चलते हैं। इधर को देखता हूँ इधर, हाँ मेरे को याद आ चुका, मैं इधर ही जाना था मेरे को। मैं दिखाता हूँ, मैंने अभी तक माइन नहीं करे डायमंड्स, मेरे को जब ज़्यादा तो नहीं मिले, नहीं कि थोड़े बहुत ही, थोड़े भी नहीं मिले, मतलब ठीक मिल गए यार, मतलब जितने मिलने थे मिल गए, नसीब तो अच्छा है। तो एक यहाँ से मुझे जंप करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ पानी है, थोड़ा ध्यान से केयरफुली। या ठीक है यार, ये लावा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछली बार यहाँ तक नहीं था ये। हो सकता है मेरी कोई बेवकूफ़ी वजह से लावा फैल रहा होगा, मैं ऐसा बंद कर लूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको हम दिखाते हैं डायमंड्स किधर था भाई। ओ भाई वो गाउज मैंने रखी है वहाँ पे, इतनी दूर से थक पीट कर आऊँगा तो मैं दिखाऊँगा वो भी चीज़ कि कैसे मेहनत से मैं ला रहा हूँ इतनी दूर से बायोम से। लिख देता हूँ, वो मैं लाया हूँ मैं। ठीक है, तो चलते हैं चौ। तो हमारे लेफ्ट साइड में है दो डायमंड्स प्रेजेंट, और सॉरी और राइट साइड में हमारे चार डायमंड्स, मैं लेफ्ट को राइट समझा था। ठीक है, तो ऊपर चलता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो मैं अपने लिफ्ट का इस्तेमाल करके ऊपर आ चुका हूँ, मैं अपने स्टेयर का इस्तेमाल करके ऊपर जाने वाला हूँ। या मैंने आपको लिफ्ट का इस्तेमाल करते यूँ नहीं दिखाया, क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा मैसेज आ गए थे मेरे, जिनके कारण वो पॉपअप हो रहे थे, उनका नंबर शो हो रहा था, इसलिए मुझे वो सीन कट करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, और चलते हैं ऊपर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और भी चीज़ें कहीं में। अरे यार ये बर्फ़ है ना, अभी हटाई थी फिर आ गई है यार। इतनी बर्फ़ पड़ेगी तो कैसे चलेगा, मतलब चलेगा तो सुहाना मौसम हो रहा ना। और ये वो पार्ट है जब मैं इनको जंगली के बच्चों को लेकर आ रहा था, और मेरे को ना दिमाग की दही कर दी थी इन्होंने, वैसे से इनको अगर थोड़ा सा खींच के चलता और इनकी रस्सी टूट जाती, और मैं वापसी इनकी रस्सी पकड़ने के लिए मतलब रस्सी को उठाता इस तरह से और फिर से इनके गले में बांधता, और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अब फिर से एक नई मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि इन बच्चों को, इन जंगली के बच्चों को मेरे को उस पहाड़ के ऊपर लेके जाना था, कोई शॉर्टकट भी नहीं, क्योंकि मेरे को इधर गया तो ये बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा, और मुझे मजबूरन, जैसे कहना मजबूरन, मेरे को इसे यहाँ से लेके चढ़ना पड़ेगा। वो भाई यहाँ पे शिप है, तो इन जंगली के बच्चों को मैं क्यों लेते दूर से। तो ओके, मैं इनको सबको लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर, मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं करा भाई,
बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गई इतनी छोटी छोटी, मतलब आधा आधा घंटे की, मतलब आधा घंटे की तो नहीं थी, 10-10 मिनट की, बहुत सारी रिकॉर्डिंग हुई। इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ लेकर आया और मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं करा, और मैंने इनको तो खिला चुका हूँ, गाय को मैंने खिला दिया है, क्योंकि यार मैं ज़्यादा दूर नहीं है, पीछे की तरफ ही मिल गया मेरे को, मुझे पता नहीं था ये स्नो बायोम के जहाँ पर ट्रीज होते हैं वहाँ स्पॉन हो जाता है, और मैं ये अभी कच्चा, अच्छा सही है, सही अच्छा नहीं, मेरे पास थोड़ी वेट की कमी है तो मैं इनका थोड़ा एडजस्ट करने वाला हूँ। ओके तो मैं जा रहा हूँ इस टाइम नेदर, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा इनके लिए खिलाने के लिए वीट्स और आलू उगाने होंगे, क्योंकि अब आलू उगाने के लिए मेरे पास टाइम तो है नहीं कि मैं कब वेट करूँ, तो मेरे को बोन मील चाहिए, यानी कि खाद। ओ यहाँ पे तो स्केलेटन बहुत आने के लिए, और वो स्लोनेस के एरो मारते हैं जिनकी खा गया ना बस मेरा मज़ा तो बिल्कुल नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ हूँ नेदर के अंदर, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा वो क्या कहते हैं उसे स्ट्रक्चर ऑफ बोन, वह हम बहुत सारे होंगे क्योंकि मुझे पता है इस बारे में। ओ भाई साहब गास्ट घूम रही है यहाँ पे, थोड़े स्केलेटन सब भी होने वाले हैं यहाँ पे, फिर भी कम से पॉइजन तो नहीं लगाते हैं, तो इधर कोई रास्ता नहीं है। वैसे मैंने इधर की साइड मैंने एक बोन स्ट्रक्चर देखा है, तो उसके पास चलता हूँ मैं जल्दी से, टक 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 करके डांस करते हुए सांप को बुझाते हैं और जंप करो भाई। ठीक है तो देख लेते हैं कोई स्केलेटन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि भाई वो ठीक है तो आपको सामने तरफ दिख रहा होगा बोन स्ट्रक्चर, मुझे वो लेना है, तो यहाँ से कैसे जा सकता है, फिलहाल तो नीचे जंप करते हैं और चलते हैं। घास आ गई पीछे से, बच गया मैं तो, बॉल बॉल बचू भाई, बॉल बॉल स्टैम्प ठीक, मैं नीचे स्केलेटन खड़ा है और बोन का स्ट्रक्चर नीचे, तो मैं नीचे कूदता हूँ उसे मारता हूँ। ओ भाई यहाँ पे एक नहीं है, एक नहीं, यहाँ पे बहुत सारे हैं, बचना पड़ेगा बचना पड़ेगा, नहीं नहीं बचना नहीं पड़ेगा, मारना पड़ेगा, मार नहीं नहीं बचना पड़ेगा भाई, बचना पड़ेगा, यहाँ को आ भाई, छल छल के दूर जा रहे हैं, मेरी तलवार से नॉक बैक ज़्यादा है इसके अंदर, तो मैं काम करता हूँ, तो भाई भागा नहीं जा रहा यहाँ पे, मैं खोद के अंदर घुसने वाला हूँ, मेरे ज़्यादा हार्ट्स नहीं है मेरे पास, जल्दी। ओके भाई मैंने अकेला समझ के उसे मैंने कूद दिया यहाँ पर, नहीं तो बहुत सारे नहीं आए हैं। ओ भाई क्या करना है अब, तो फिर मैं जब गुफा बंद हो गया तो मैंने इनको एक एक करके यहाँ बुलाया और इनको मैं मारने लगा, क्योंकि मैं इनको ओपन में नहीं मार पा रहा था, जो ऊपर से यहाँ स्लस सैंड थी जो मुझे भागने नहीं दे रही थी बिल्कुल भी, तो मैंने जितने जितने एक बच्चा था मैंने उसके पास जाकर से मारा जल्दी से, और जीजे से जितना भी हो सकता है मैंने बोन क्लैक करा, और मैं ऊपर चढ़ के निकलने को तैयारी करी, कि आसपास कैरेक्टर स्पॉन नहीं हो रहे थे, इतना जितना मैं जल्दी से निकलने की तैयारी करने लगा, पर मैं थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर रहा था, क्योंकि मैं यहाँ से डायरेक्ट उस होल के ऊपर टावर नहीं खड़ा करा, निकल नहीं तो फिर भी मैं कैसे तेज से करके उसमें से निकल गया, और जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा तो स्केलेटन और आ गए, तो मैंने उनको मारा, होपफुली मैंने उनको आसानी से मार दिया, क्योंकि और समय से बोन ही मिली मेरे को, और मैं जितना हो सका फास्ट भगवक के घर पर आया और मेरे को स्टैंडिंग मिला, मैंने उसको भी जुड़वा दिया, मेरे लगा दिया उसको भी पैर के चलते हैं। जैसे मैं घर आया बहुत स्पीड से, तो मैंने जल्दी से बोन का सारा वो बनाए बोन मील, और जितना भी मैं पोटैटो वीट सब उगाने वाला था मैंने जितना हो सकता जल्दी जल्दी उगाया, मेरे पास वीट के सीड कम थे तो इसलिए मैंने बार बार उगा रहा था जिससे बहुत सारे हो जाए मेरे पास, तो मैं ऐसे ही करते 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 मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वीट्स हो गया, और जितना भी था मैंने लगा दिया सारा का सारा, और मेरी बोन भी ख़त्म हो गई थी, और जब मेरा सारा काम फारिग हो गया तो मैं इस मौसम को फिर से ताड़ने लगा, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत मौसम को बस देखते जाओ देखते जाओ।